नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे सुपर वीडियो ब्लॉग। दोस्तों बारात आने वाली है, अब हम थोड़ी देर में ऊपर जा रहे हैं और थोड़ा देखेंगे बारात वगैरह का स्वागत वगैरह वहाँ पे करेंगे। हिमांशी और अमन, हिमांशी और अमन की यहाँ शादी है और अभी बारात आने ही वाली है थोड़ी देर में रुद्रप्रयाग से, और लगभग 12:30 तक बारात यहाँ पे पहुँच जाएगी और उसके बाद थोड़ा बारात का स्वागत करेंगे और उसके बाद वहाँ पे जो भी प्रोग्राम वगैरह होंगे तो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे गढ़वाल में किस तरीके से शादी होती है। और शादी में जो है हमेशा आपने देखा होगा कि एकता का भाव पाया जाता है। यानी कि जो शादी में है सभी लोग एकजुट होकर जो भी कार्य होता है, कोई भी मांगलिक कार्य होता है और सब चीज़ों को मिलजुल के गांव के लोग करते हैं। तो अब सुबह से हम लोग सब्जी वगैरह काट रहे थे, सब्जी वगैरह काटने के बाद और अब थोड़ा हमने कहा बारात आएगी और उसके लिए खाना वगैरह तैयार हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर पंडित जी भी खाना खिलाते हैं और साथ में जो वैसे में खाएँगे तो उनको अलग खिलाएँगे। तो होगी शादी और उसके बाद यहाँ पर फेरे वगैरह होंगे और गाँव में देखो किस तरीके से बारात आती है और बारात वाले क्या डांस करते हैं, डांस भी उनके दिखाएंगे और फेरे वगैरह किस तरीके से होते हैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। देख लेते हैं कि गांव में जो खाना वगैरह बना रहे हैं हमारे भाई साहब, हमारे यार दोस्त जो बना रहे हैं, और थोड़ा आपको दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरी वगैरह बना रहे हैं और कोई सब्जी काट रहे हैं तो कोई पूरी बना रहा है, तो अलग अलग सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। बारात थोड़ी देर में आने वाली है और यहाँ पे चाय नाश्ते वगैरह की भी व्यवस्था हो गई है।
और ये हमारे Hello, भाई साहब भी हाजिर। कैसे हो सर आप? बस आई एम फाइन। बारात के स्वागत के लिए खड़े हुए? बिल्कुल, बारात के स्वागत के लिए अभी खड़े। बारात आने वाले गैरसैंण पूछी। हाँ, गैरसैंण बारात पूछी, गैरसैण पहुंच गई है। कितना माहौल, कितना अच्छा बनने का, इतना पूरे गांव के लोग एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एकता का प्रतीक है हमारा गांव, सिलंगी गांव। हाँ जी, गांव में मिलजुल के ही काम होता है और सभी आपस में जो भी शादी वगैरह होते हैं, शादी विवाह होते हैं, सभी एकजुट होकर काम करते हैं। तो यही हमारे गांवों की पहचान है, यही उत्तराखंड की संस्कृति है। हमारे इसमें गांव की इतने है कि ऊपर देखो तुम चारों तरफ। हाँ जी, पेड़ पौधे, हरियाली हरियाली पूरी छाई हुई, बीच में पूरा गांव बसा हुआ। हाँ, तभी टोपी पहन के बैठे हुए हम लोग, ठंड भी हमें लग रही है। टोपी पहन के आपको ठंड लग रही होगी ज्यादा, ठंडा भी होने लग गया। मेरा भी है टोपी, वैसे लगभग अभी मैंने पहना नहीं, अभी पहन लिया मैंने भी। अभी धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे अभी ठंड बढ़ती जाएगी, शाम जैसे ढलेगी अभी 3-4 बजे के बाद ठंड शुरू हो जाएगी। हमारे ठंडा होने जा, छाया आने लग जाती है। नीचे नदी है यहाँ पे, जिसको हमारे यहाँ पे गाढ़ बोला जाता है, गाढ़ में जिसे बचपन में हम नहाया करते थे यहाँ पे। रोज डुबकी मारे हम गाढ़ में, रोज डुबकी कभी यार, बहुत डुबकी मारे यो दिन बोगीची में गाढ़ में डुबकी नहीं मोने। अरे हम बचपन में डुबकी मारे नहीं रही जी, तो यहाँ पे तैरने तूरने का बहुत अच्छा। बाकी दोस्तों, हमारे यहाँ की जो रीति रिवाज है, जो गढ़वाल की रीति रिवाज है, जब भी यहाँ पे दूल्हा आता है और उसको हमेशा डोले में बैठा के उसको अच्छे तरीके से वहाँ तक ले जाया जाता है जहाँ पर दुल्हन है। तो अभी डोला तैयार है और इसमें अभी दूल्हा है और इसके बाद उसको लेके हम जाएंगे साथ में यहाँ पे। स्वागत के लिए हमारे गांव की महिलाएं यहां पे खड़ी हैं, बारात आ चुकी है और उनका स्वागत भी हो रहा है।
थोड़ा हो गया होगी यख में दर्जन सुना है थोड़ा वो साइड हो जाओ थोड़ा थोड़ा उधर देखो है Thank you.
हो गया हो गया।